साल 2008 में 26 नवंबर का वो दिन था, आतंकवादियों ने मुंबई में जमकर खून खराबा किया और उस आतंकवादी हमले में आतंकवादियों से सामने से मुकाबला करते हुए मुंबई एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे शहीद हो गए। उनके साथ एसीपी अशोक कामटे, पुलिस इंस्पेक्टर विजय सालस्कर और दो अन्य पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए। जब 2019 में भी भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे थे तब शहीद हेमंत करकरे का नाम उछाला गया था। तब बीजेपी की भोपाल सीट से उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने शहीद हेमंत करकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के लगभग सभी दिग्गजों ने उसका बचाव किया। किसी ने ये नहीं कहा कि प्रज्ञा ठाकुर को शहीद के अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर चुनाव जीत भी गई। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी फिर से शहीद करकरे का नाम उछाला जा रहा है। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार ने बयान दिया है कि दिवंगत आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे की मौत आतंकवादियों की गोली से नहीं बल्कि कथित रूप से आरएसएस से जुड़े पुलिस अधिकारी की चलाई गई गोली से हुई। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस टेरर सिंपथाइजर है, इससे कांग्रेस का कसाब प्रेम बाहर आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। जस हिंदी के इस बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ सवाल हैं जो कि हेमंत करकरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उससे उठ रहे हैं, और ये सवाल क्या हैं जिन पर जनता को ज़रूर समझने की ज़रूरत है, जिनको टटोले जाने की ज़रूरत है। ये सवाल हैं स्ट्रेट टॉक के सीधी बात में, सीधे संवाद में। हेमंत करकरे की शहादत पर ये जो सियासी बयानबाजियां हो रही हैं, इसे भारत की जनता को कैसे देखना चाहिए? सियासी लाभ के लिए क्या मुंबई हमलों के जख्म कुरेदने की कोशिश की जा रही है? क्या इसे राजनीतिक दलों की सियासी जुमलेबाजी भी कहा जा सकता है? आतंकवाद के मुद्दे पर चुनावी छींटाकशी कितनी असरदार होती है, जो कि बार बार इस तरह के सियासी जुमले कह लीजिए, सियासी बयानबाजियां कह लीजिए, वो सामने आ ही जाते हैं। जब भी चुनाव होते हैं तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप बहुत ही आम बात लगने लगती है, आम भाषा तक लगने लगती है। हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है इस मसले पर बातचीत के लिए, समझने के लिए, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है पुणे से जुड़ रहे हैं अनिल सिन्हा, हमारे साथ हैं मुकुल त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से, और हमारे साथ मीना तादनाई जी स्पोक्स पर्सन बीजेपी से। दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगी कि कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया है। लेकिन शुरुआत में अनिल सर, मैं आपसे करना चाहूँगी, आप महाराष्ट्र की सियासत को भी समझते हैं और मुंबई हमलों के दर्द को भी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये जो बयानबाजी हो रही है जो कि कांग्रेस के नेता विपक्ष की तरफ से शुरू हुई और उज्ज्वल निकम ने भी जिस तरीके से पाकिस्तान का इसमें जिक्र ले आए हैं, वो आप इसे कैसे देख रहे हैं, किस तरह की समीक्षा कर रहे हैं आप इन बयानों की? देखिए, उसमें ऐसा है कि जो केस जिसमें करकरे की मौत हुई, आतंकवादी जो हमला था जी। तो उस मौत को राजनीतिक रूप से तो बीजेपी भुना ही रही है, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि उज्ज्वल निकम जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे और उन्होंने इस केस में उन लोगों को ये किया, मतलब सजा दिलाई और इसका बहुत इस्तेमाल किया आपने, मतलब उज्ज्वल निकम ने उसकी खूब पब्लिसिटी उसमें लिया, और अब उसमें कितना वो बेहतरीन वकील थे या नहीं ये जानकारी मुझको चुकी, लीगल फील्ड का मैं आदमी नहीं हूँ, लेकिन उनको इतना जरूर कहूँगा कि ये जो केस था उसका इस्तेमाल उन्होंने अपने व्यक्तिगत ये मैं क्या कहते हैं पब्लिसिटी में खूब किया, और ये निश्चित तौर पर एक कॉमनलिज्म का इशू बना करके उसको बीजेपी ने उनको बनाया। पाकिस्तान से अगर आक्रमण हुआ तो इसका ये तो नए मतलब राष्ट्र पे आक्रमण है ना, इसका बीजेपी को क्यों फायदा उठाना चाहिए, अब फायदा क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी थोड़ा ही रखवाला है देश का। अब करकरे के बारे में बता दूं, करकरे वही शख्स हैं जिन्होंने प्रज्ञा ठाकुर और इन लोगों को, एटीएस जो थे वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के जो ये थे वो चीफ थे, और उन्होंने उन लोगों को उनके बारे में जो केस किया अभी तक उनको मुकदमा, उसी मुकदमा में वो फंसे हुए, तो इसीलिए वो
वो तो एक देशभक्त और बहादुर जांबाज जिसको आप कहेंगे वो सच्चे पुलिस अधिकारी थे। अब जी उस पर ये इनका बयान भी कांग्रेस के जो नेता हैं विजय उनका बयान भी वडेट्टीवार हमको लग हाँ, जी उनका उनका बयान भी मुझको नहीं लगता कि उसकी कोई जरूरत थी। निकम से जो निकम ने पब्लिसिटी और जो केस था देश के खिलाफ जो आक्रमण हुआ था उसका उसका फायदा उठा करके वो चुनाव लड़ रहे हैं, यही मुद्दा काफी था। इसके जी लिए करकरे को बीच बनाने की कोई हमको आवश्यकता नहीं नजर आती है। ये उनका भी दिवालियापन है, राजनीतिक दिवालियापन। इसमें मतलब मुझको कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जी वो अगर अगर उनको उज्ज्वल निकम ने जो जिस तरह से इस केस का मिली पब्लिसिटी का फायदा उठाया और इसको एक तरह से मतलब कम्युनल कलर देना चाहते हैं, तो ये उसको उसका उसको करना चाहिए था। बीजेपी में तो उसको शामिल होने करके वो साफ दिखा दिया क्या कि उन्होंने इस ब्लास्ट केस को एक एक तरह से कॉमनल एंगल देने की कोशिश की, ये तो साबित हो ही रहा है ना। तो ये मान तो लग रहा है क्या कि बयान के मैं पक्ष में नहीं हूँ, करकरे तो एकदम नहीं लाना चाहिए, देश के शहीद है वो और जी बहुत ही मतलब उम्दा। और उनका करियर का अगर आप तो लाइन में मैं आपको बता दूं कि वो 7 साल तक जो रॉ में काम किया उन्होंने साउथ अफ्रीका में थे और उसके बाद एटीएस में तो थे ही, ऐसे ही मालेगांव ब्लास्ट का भी काम किया और नारकोटिक्स में थे, मतलब बहुत ही जबरदस्त काबिल ऑफिसर थे ऑफिसर थे और जी उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई, इसीलिए उनका उनका नाम घसीटना तो हमको नहीं लगता कि कहीं से वाजिब है। लेकिन ये जो उज्जवल निकम है वो इसका फायदा उठा रहे हैं, कसाब को फांसी दिलाई तो कोई भी वकील होता हिंदुस्तान का तो कसाब को क्या फूलमाला पहनाता था क्या, उसको फांसी दिलाता ही, तो जी उसमें कौन सा क्रेडिट है भाई। मतलब उज्जवल निकम ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने फांसी दिलाई, रहे वो क्या फांसी दिलाएंगे, वो तो पकड़ लिया गया स्पॉट पर, वो तो उन जानबाज पुलिस अधिकारियों ऑफिसरों का काम का सैल्यूट करना चाहिए कि जो उन्होंने उसको पकड़ लिया, जिंदा पकड़ लिया और उसके बाद उसको कोर्ट में रखा और मतलब पेश किया और साथ में उसको फांसी मतलब ये भी नहीं करने दिया, आत्महत्या नहीं करने दी, उसको जिंदा रखा और जो भारतीय कानून है उसके जो सर्वोच्च मतलब उसकी जो स्तर है उसका जो ये है मतलब वो उसको साबित किया कि भारत में एक कोर्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है, जी यहाँ कोई स्ट्रीट का कानून नहीं है, और बिल्कुल उसको कानून के हिसाब फांसी दिलाई। तो ये इसमें उज्जवल निकम का काम एक प्रोफेशनल वर्क था, जी इसके लिए उसका राजनीतिक इस्तेमाल उसको नहीं करना चाहिए। और बीजेपी इस तरह का राजनीतिक इस्तेमाल करती है, जैसे सेना का अधिकारी वीके सिंह, अब जनरल वीके सिंह तो देश के सेना का अधिकारी थे ना, बीजेपी के जाकर के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए और उसके बन गए राज्य मंत्री बन करके, जो जो कि प्रोटोकॉल में बहुत ही नीचे का होता है उनके जी मुकाबले, वो भी अपना बन गया है। तो ये तो डिग्रेडेशन है सेना का भी और जो पुलिस फोर्स है। बिल्कुल मुकुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं मीना जी के पास जाऊं, मुकुल जी से मैं संभालना चाहूंगी। मुकुल जी, जब सियासत के लिए शहीदों के नाम का इस्तेमाल होने लगे और खास करके जो जिस भी सरकारी वकील का फर्ज है कि राष्ट्र को न्याय दिलाने की का उसने एक भूमिका निभाई, लेकिन उसका सियासी लाभ के लिए फायदा उठाने लगे, तो फिर दोनों ही दलों पर बहुत ही गंभीर प्रश्न उठते हैं। मुकुल जी सभी दर्शकों और सारे पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। देखिए, इस मामले में जो उन्होंने बोला है विजय वडेट्टीवार ने, ये बेसिकली है तो पॉलिटिकल। मैं अनिल सिन्हा जी की बात से पूरा सहमत हूं कि जी इस मौके पे उनको लाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो किताबों का उन्होंने जिक्र किया जिस जगह से इन्होंने ये उठाया है वो दो किताबें मुंबई ब्लास्ट पे ही थी। एक तो था टू द लास्ट बुलेट, इसको लिखा था अशोक कामटे, जो स्वर्गीय अशोक कामटे एडिशनल कमिश्नर थे, उन्होंने उनकी वाइफ ने लिखा था विनीता कामटे ने, जी और वो पेशे से एडवोकेट भी थी, तो उन्होंने जो जो चीजें तथ्य लिखे हैं। और दूसरा एक रिटायर्ड आईसी थे एस एम मुशरिफ, उनका उन्होंने लिखी थी हु किल्ड करकरे, जी ये दो बड़ी फेमस किताबें हैं और आज भी उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि नहीं है उन लोगों ने। और आपको बताऊं कि इस पूरी घटना में जो सवालिया निशान है कि करकरे जब मालेगांव से 3 आदमियों को उठाते हैं और उसमें कर्नल पुरोहित रहते हैं, साध्वी प्रज्ञा रहती है, दयानंद पांडे और एक आदमी और था, जी इनको उठाते हैं, उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं और ये एक दिन रात में टीवी पे यही आ रहा था, अचानक से न्यूज आती है कि गोलीबारी हुई है
और इन लोगों के पास से वो जो करकरे जी है वो एटीएस के प्रमुख थे और वो जांच भी कर रहे थे जी। इनके पास 3 लैपटॉप बरामद हुए इन आरोपियों के पास, इनमें से बाकायदा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वीडियो ऑडियो इन सबका उन्होंने सिर्फ 3 ऑडियो की स्क्रिप्ट तैयार कराई थी जी, जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। मतलब ऐसा नहीं कि ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ये सब डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है और ये सब सामने आया है। सबसे हैरानी की बात ये है, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि करकरे और कांटे और दो और आदमी थे जिन लोगों को ये बुलेट लगे जी, सलस्कर ये सारे जैसे एक सिपाही का बाकी सब ऑफिसर थे, इंस्पेक्टर भी था उसमें, तो ये इनके जो बुलेट लगी वो बैलिस्टिक रिपोर्ट में पता ही नहीं चली कि किसकी है, आतंकवादियों की है या पुलिस की है, ये उसका जिक्र ही नहीं है जी। इस पे जज भी रुका था, तो सवालिया निशान तो इस पे पहले से ही था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तो घटना आज काफी साल हो गया है, 2008 की घटना है, 2024 में हम है जी। आप फिर एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि ये पूरा इनपुट कि पाकिस्तान से बोट निकल के इंडिया की तरफ आ रही है, अमेरिका ने सैटेलाइट उसका जो भेजते हैं लोकेशन वो सब इन्होंने रॉ को दे दिया था जी, 5 दिन पहले दिया, और उन्होंने रॉ ने इसको आईबी को दिया, बिल्कुल आईबी ने कोस्टल गार्ड को दिया और नेवी को दिया, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी चीज राज्य सरकार या मुंबई पुलिस को ऐसी नई सूचना दी गई। ये चीजें आप ये बताइए, सबसे बड़ी बात जो जांच कमेटी बनी उसके सदस्य थे वी बालचंद्रन। तो क्या भारत में शहीद के नाम पर शर्मनाक सियासत हो रही है सिर्फ और सिर्फ वोटों को आकर्षित करने के लिए? हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, ये बातचीत आगे बढ़ाते हैं। मुकुल जी, मैं चाहती कि अपनी बात आप संक्षेप में रखें, फिर मीना जी इंतजार कर रही हैं, उनसे भी सवाल लेते हैं जी। तो सबसे महत्वपूर्ण मैं एक लाइन में खत्म कर दूंगा कि जो सरकार ने जांच कमेटी बनाई उसमें एक सदस्य थे वी बालचंद्रन, उन्होंने लिखा अपनी रिपोर्ट में कि मुझे राज्य सरकार ने तो जानकारी दी जो उनके पास थी, लोकल पुलिस बॉम्बे पुलिस ने दी, लेकिन आईबी और रॉक ने कमेटी का कोई जवाब नहीं दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है कि आईबी और रॉक के पास जब इनपुट था और वो कमेटी के सामने पेश ही नहीं हुए, या अपने दबाव में जो भी रही हो उसको उन्होंने कुछ पेश ही नहीं किया, तो कमेटी किस निर्णय पर पहुंचेगी? और अब का जो सवाल था कि जांच आगे क्यों नहीं बढ़ी, जब एक वहां के मध्य प्रदेश या बिहार के कोई विधायक थे, उन्होंने एक इस पे पीआईएल डाली थी जी, और वो पीआईएल 2008 में डाली थी और 2012-14 में खारिज हो गई, तो मतलब उसी के कुछ दिन बाद खारिज हो गई थी। फिर वो आए सुप्रीम कोर्ट में ये कह करके बंद कर दिया गया कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है, अब आगे कोई जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सवाल अनसुलझे रह गए हैं, उन सवालों का जवाब भाई कांग्रेस के टाइम की घटना है तो कांग्रेस की भी जवाब दे रही है, बिल्कुल ऐसा तो, नहीं कि तो आप कहेंगे कि शशि थरूर ने जो मामले की जांच की बात कही है वो एक संजीदा बात है, इसे कांग्रेस इसे किनारा करती हुई जो दिख रही है ये सही नहीं है। शशि थरूर कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, ये अलग बात है कि ये उनकी पार्टी के खिलाफ ही कहा जा रहा है कि पढ़ सकता है, चुनाव का वक्त है। मीना जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप इस पूरे मसले पर, उज्ज्वल निकम सियासी चेहरा आपने कैंडिडेट चुना और जिस भूमिका को लेकर वो जनता के बीच गए हैं, जो उनकी छवि है, जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, उन पर भी गहरा प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा हो रहा है। मीना जी, नेहा जी, वो दिन आप याद करो, 26 नवंबर 2008 वो आप इसको याद करोगे, अभी भी आपकी जो रूह जो है वो कांप जाएगी, किस तरह से जो है लगभग 166 लोगों की जो है निर्मम हत्या जो है AK-47 से की गई और 300 से ज्यादा लोग जो है ऐसे घायल हुए कि कभी मेरे ख्याल से वो पैरों पर चल भी नहीं पाए, और लगभग 11 हमारे जो ATS और NSG के जो हमारे अधिकारी थे, ऑफिसर थे, उन्होंने शहीद दिया, जिसमें से अपने हेमंत करकरे जी, उन्होंने भी जो है अपने जीवन का जो सर्वोच्च बलिदान है वो देश की रक्षा के लिए जो है वो बलिदान दी जी। और आज जो है जिस तरह से राजनीति हो रही है उनके बलिदान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई वो बलिदान नहीं था, वो एक मर्डर था,
मुझे ये हैरानी होती है ये सोचकर कि मेरे यहाँ दोनों पत्रकार भाई भी बैठे हैं और कि किस तरह से जो है देश की गरिमा के ऊपर, देश की गौरव के ऊपर, देश के ऊपर जहाँ प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, वो नेहा जी को सुनने याद होगा कि कितना ज्यादा अंतरराष्ट्रीय प्रेशर था और उस वक्त आपको पाकिस्तान ने जो है कसाब को पाकिस्तानी मानने से इनकार कर दिया था जी। और अंतरराष्ट्रीय दबाव के अंदर जो है पाकिस्तान को मानना पड़ा कि अजमत कसाब जो है पाकिस्तानी है और उसको जो है 4 साल के इंतजार के बाद जो है ऑनरेबल सुप्रीम ने जो है 2012 अगस्त को जो है वो सजा सुनाई थी और उसके बाद जो है उसको अजमत कसाब को जो है फांसी हुई और फांसी होते थे पहले अजमत कसाब ने अपने गलती के लिए पाया वो माफी भी मांगी थी कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ जी। और इतने 14 साल के बाद देखो मेरे पत्रकार भाई ने यहाँ पर ये भी कहा कि भाई कुछ चीजें बीच में रह गई है, यदि कुछ चीजें रह गई है तो 14 साल के लिए साइलेंस क्यों, 14 साल के बाद जब इलेक्शन आया तो आप जो है एक शहीद की जो है वीरगति के ऊपर आप राजनीति कर रहे, आपने जो है अपना उज्जवल निगम जी के बारे में कहा, क्या उन्होंने जो कोर्ट के अंदर कसाब के खिलाफ जो है देश के लिए खड़े होकर वहां पर केस लड़ा था, नेहा जी हर पुलिस का अपना रोल होता है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस की किसी भी दोषी को जो है कोर्ट तक पहुंचाना है, वहां पर चालान पेश करना है और उसके बाद चालान पेश करने के बाद उस केस को साबित करना जो है वो एक वकील का काम होता है जी। और उस वकालत को, उस वकील के काम को उज्जवल निगम जी ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जो है वो कोर्ट के अंदर निभाया और जिसकी वजह से जो है अजमल कसाब को जो है फांसी की सजा मिली। क्या ये उज्जवल निगम जी का क्या मेरिट नहीं है? यदि उन्होंने इस बात को कह दिया कि भाई मैंने जो है वो वकालत करी कोर्ट में अजमत साहब के खिलाफ, मैं किस तरह के इसमें गलत क्या है, मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा, क्या उज्जवल निगम जी ने क्या ये केस नहीं लड़ा था? हाँ वो नहीं लड़ते तो झूठ बोलते कि भाई किसी और ने केस लड़ा होता और वो उसका मेरिट लेने की कोशिश करते जी। और फिर क्वेश्चन करता और ऐसे सिचुएशन में जो है आप कह रहे हो, मतलब आप पाकिस्तान की बोली बोल रहे हो, आज आप जो है हेमंत करकरे जी के शहादत के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर आप क्या पाकिस्तान की पाकिस्तानों को ये दे रहे हो कि भाई जो सजा जो है अजमत कसाब को जो है वो मिली, क्या वो गलत हुई, क्या उसको गलत फांसी के ऊपर चढ़ाया गया? अजमल कसाब आतंकवादियों जी, आतंकवादियों की कार्रवाई की बात नहीं है, हेमंत करकरे की मौत पर जो कुछ सवाल हैं वो अनसुलझे रह गए हैं, इन सवालों की जांच की बात हो रही है, ये अलग बात है। जी, मेरे पत्रकार भाई ने अभी ये बात कही कि एक PIL जो है उन्होंने भोपाल के किसी MLA की बात करी थी कि उन्होंने PIL फाइल करी जी और इन्होंने ये भी बताया कि PIL जो है सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निराधार है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और इस इन्वेस्टिगेशन में और कुछ नहीं रहता। ठीक है। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भी इन्वेस्टिगेशन जो है बिल्कुल फेयर हुई है, यहाँ पर और नया कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं है, तो आप जो है ऑनरेबल कोर्ट के जो है ऑर्डर के ऊपर उसके ऊपर भी विश्वास नहीं करते, मतलब आपको देश के फैसले पर विश्वास नहीं, आपको माननीय अदालत के फैसले पर विश्वास नहीं, तो आप किसको खुश करना चाहते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप राजनीति भारत की कर रहे हैं, आप भारत में इलेक्शन लड़ रहे हैं और बोली जो आप पाकिस्तान की बोलते हैं यहाँ बैठकर जी। अनिल सर, कांग्रेस के क्योंकि कोई प्रवक्ता नहीं आए आज रिक्वेस्ट करने के बावजूद, वो कहीं ना कहीं वो इसे एक ऐसी कंट्रोवर्सी समझ रहे थे कि वो चुनाव के वक्त में उल्टा भी पड़ सकता है, आपको क्या लगता है यही आरोप कमोवेश 2019 में भी इसी तरह की कोई बात हुई और प्रज्ञा ठाकुर उस समय कैंडिडेट भी थी और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे देवेंद्र फडणवीस हो या सुब्रमण्यम स्वामी हो, सबने किसी न किसी तरीके से जो है उनके बयान का समर्थन किया या फिर बचाव किया था और वो चुनाव जीत भी गई थी, तब सवालों के घेरे में बीजेपी की कैंडिडेट थी और आज सवालों के घेरे में विजय वडेट्टीवार हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो बीजेपी देखिए कांग्रेस ने तो 1971 में बांग्लादेश वॉर जीत लिया था, 93,000 लोगों को उसने बकायदा ओपन फील्ड में उनका सरेंडर करवाया, बीजेपी को कम से कम 200 साल लगेंगे ये इस तरह के पराक्रम दिखलाने में, इंदिरा गांधी वाले, तो वो जो है तो उसने, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन लड़ा उसमें उसका भाषण उठा के देख लीजिए, मैं तो पढ़ाई लिखाई करता हूँ, ऐसा मतलब
नहीं हूँ, आप देख लीजिए भाषण उठा के, कहीं भी ये इसका भाषण दे करके प्रचार नहीं, बहुत एक दो लाइन के अलावा कभी नहीं है। उनको लोग बोला दुर्गा वगैरह भी, तो उन्होंने ऐसे ही इसको इग्नोर किया जी। और ये जो है पुलवामा में अभी तक तो जांच भी नहीं हो पाया कि, अभी तक फिक्स भी नहीं हो पाया कि किसको क्या। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बीजेपी लगातार ये करती रहती है जी। अभी अभी बताइए कि उज्ज्वल निकम है, अरे उज्ज्वल निकम क्या, कोई भी वहां पर बॉम्बे में क्या वकील की कमी है? उज्ज्वल निकम वहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, ये जिम्मेदारी उनको मिली और उसका वो राजनीतिक लाभ ले रहा है। अब ये कोई मतलब है इसका? आप सोच लीजिए कि क्या है। और उसके बाद आप ये भी बोल रही है मतलब मैडम कि पाकिस्तान की बोली, अरे इसमें पाकिस्तान की बोली, कसाब अगर मान लिया कि गोली करकरे साबित नहीं हुआ कि करकरे के को उसी की गोली लगी या नहीं, वो नहीं ये बैलिस्टिक जो ये किया गया थे उसमें नहीं है जिक्र, उसके बावजूद उसको तो फांसी लगी ना। फांसी इसलिए लगी उसने देश पर हमला किया, भारत पे हमला किया, आतंकवादी हमला, वो करकरे मरते हैं नहीं। मीना जी मैं आऊंगी आपके पास। करकरे जी को नहीं लगी, मैं इस पर ऑब्जेक्ट करती हूँ। हम कौन बोल रहा है कि लगी या नहीं लगी, वो तो अभी हमने कहा साहब है मीना जी मैं आऊंगी आपके पास। मीना जी, मीना जी मैं आपके पास आऊंगी, समय समय सीमित है। मीना जी, मीना जी मैं आऊंगी आपके पास। मीना जी, मीना जी, मीना जी, मीना जी निवेदन है आपसे, मैं आऊंगी आपके। जी जी अनिल जी आप बात पूरी कर लीजिए जी। करकरे को गोली लगी या नहीं अभी बताया ना, जिक्र किया ना उसका, उसी की गोली से मरे करकरे, इसके बारे में नहीं है जिक्र। तो उसके बाद भी कसाब को फांसी लगनी ही थी, तो कसाब ने देश पर आक्रमण किया था, उसमें एक और दो को मारने से नहीं, वो आतंकवादी हमला था और भारतीय राष्ट्र पर हमला था, उसको फांसी लगनी ही थी। इसलिए उसको करकरे की वजह से, उसको करकरे के मर्डर में थोड़ी उसको फांसी लगी, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इसमें उज्ज्वल निकम जो है, उज्ज्वल निकम को उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए राजनीति जी, और किसी को भी नहीं उठाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे वकील हुए जी, और यही मुंबई में नानी पालकी वाला थे ऐसे, लेकिन उन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया राजनीति अपने वकालत का, अपनी वकालत का। मैं कम से कम 10 वकीलों का नाम दूंगा जी जो उन्होंने कभी फायदा, ये राम जेठमलानी थे, अभी उन्होंने वो अपनी ताकत से पॉलिटिक्स करते थे, किसी ये के नहीं, सबसे बड़े वकील थे हिंदुस्तान के क्रिमिनल वकील जी। तो ये उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। और कांग्रेस के जो आदमी मतलब विपक्ष के नेता ने बयान दिया, वो भी उसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये मैं कह रहा हूँ। क्या निंदनीय है इसके साथ, ये भी मैं कहूंगा अनिल सर, क्या क्या कांग्रेस के आक्रमण होगा पाकिस्तान का, तो इसका बीजेपी को क्यों फायदा उठाना चाहिए भाई, या कांग्रेस को क्यों फायदा उठाना चाहिए? आपके समय में भी संसद पर आक्रमण हो गया। क्या भारत में लोकसभा चुनाव के दौरान शहीद पर भी सियासत हो रही है, और इसे भारत का मतदाता कैसे देख रहा है, यही समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। किस तरह की जब सियासी जुमलेबाजी होती है तो वोटर उस पर कितना असर पड़ता है। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं, और मीना तानाइट जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, और अनिल सिन्हा जो किसी भी समय के लिए हमारे साथ जुड़े थे, वो अब कार्यक्रम में नहीं है। मीना जी मैं चाहती हूँ कि पहले आपकी जो आपत्ति है, आपकी बात यहाँ पर सुनी जाए, उसके बाद मुकुल जी कुछ बहुत ही ऐसी बातें, ऐसी जानकारी हम तक पहुँचा रहे थे जो शायद अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाई है, उनको भी समझेंगे। लेकिन मीना जी आप अपनी बात रखें यहाँ पर। मेरे पत्रकार भाई साहब वह चले गए पेट छोड़कर, मुझे बड़ी हैरानी हुई जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि 1971 की लड़ाई लड़ी गई और ऐसा जो है भाजपा जो है कभी कर ही नहीं सकती, परमात्मा कभी ना करे कि मैं भारत के ऊपर कभी ऐसा युद्ध आए। और मैं नेहा जी याद कराना चाहती हूँ 1999 जब कारगिल का युद्ध जो है, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और लगभग जो है 2.5 महीने ये युद्ध चला था, और उस वक्त कारगिल का युद्ध जो है ऑपरेशन विजय हमने जीता था, उस वक्त भाजपा की सरकार थी केंद्र। तो ये कहना जो मुझे इस चीज की आपत्ति थी कि आप बात कर रहे हैं, आप न्यूट्रल होकर बात कर रहे हैं, पत्रकार है आप, कांग्रेस की भाषा यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हो, क्या वो 1980 का दशक भूल गए आप? किस तरह से जो है कांग्रेस ने जो है अपना पाकिस्तान से जो है आतंकवादियों को जो प्री एंट्री का जम्मू एंड कश्मीर में दी थी, क्या वो बर्मा म्यांमार बांग्लादेश से जो है आज रोहिंग्य मुसलमान जो है पूरे भारत के हर कोने में फैले हुए हैं, उसका कारण कौन है जिसका भुगतान आज तक हम कर रहे हैं? तो ये कहना कि भाई आप
जो है बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल भूली हुई है, भाजपा जो है वो फूंक मारे, मैं नहीं, ये तो कांग्रेस, ये तो सत्ता में जो भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये तो किसी देश की नीति होती है कि, या फिर नीतियों की असफलताएं होती हैं, इस पर तो चलिए चर्चा होती ही है, लेकिन ये तो देश से देश का संबंध जो होता है, ये उस आधार पर नीतियां बनती हैं, और इसी हिसाब से अभी रोहिंग्या घुसपैठी है या कौन सा उस पर कार्रवाई करे सरकारें। जी बिल्कुल, ये देश की नीति होती है, और जब देश की नीति होगी, जब देश के ऊपर आक्रमण हुआ, वो कोई व्यक्ति के ऊपर आक्रमण नहीं था 26/11 का, वो देश के ऊपर आतंकवाद था, वो हमारे भारत के ऊपर, हमारे अभिमान के ऊपर आतंकवाद था। मीना जी, अनिल जी यही कहना चाह रहे थे कि देश के ऊपर आक्रमण हुआ इसीलिए कसब को फांसी हुई, अनिल जी का कहना ही यही था कि देश के ऊपर आक्रमण हुआ इसीलिए उज्जवल निकम जी सरकारी वकील थे, उन्होंने देश के लिए जो उनको भूमिका दी गई थी उसका निर्वहन किया, और फिर जो भारत की न्यायपालिका है उसके तहत उसको सजा मिली, यही बात तो वो कह रहे थे। इसमें किसी को श्रेय क्यों लेना, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, वो श्रेय लेने की होड़ में क्यों दिखती है। मुकुल जी मैं आपसे मैं वही कह रही हूँ जब एक फैसला आ गया, ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया, ये नहीं कहते वो अपील में नहीं है, वो फैसला हो गया, और 14 साल पहले 2012 में फैसला आ चुका है जी। आप आज जो है उस फैसले के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे, 14 साल तक यदि आपको इतनी आपत्ति थी, आप वहां पर कोर्ट में जाकर कोई अपनी कोई पिटीशन फाइल करते, आप इन्वेस्टिगेशन रीओपन करते, यदि करकरे जी के परिवार को आपत्ति होती, तो उनके दो बेटियां एक बेटा है, उनका उनके वाइफ का ब्रदर है जिनके जो है बयान भी आए हैं मीडिया के अंदर से, उनकी तरफ से मतलब इन्वेस्टिगेशन भी ओपन कराई जाती। पर आज कांग्रेस ऐसी बात उठाकर जाए, वो मुझे भी समझ आता है कि वो क्या साबित करना चाहती है, वो क्या देश की तरफ है या पाकिस्तान की तरफ है, या उनको निर्णय लेना पड़े जी। अगर देश की तरफ है तो वो पाकिस्तान की तरफ नहीं, या फिर देश की तरफ किसी मौत पर अगर कोई सवाल उठ रहा है तो वो पाकिस्तान की तरफ है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बीजेपी बार बार पाकिस्तान का जिक्र ले आती है मीना जी। मुकुल मैं आऊँगी आपके पास। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या क्या आप इस चीज़ को झुठलाएंगे कि अजमल कसाब जो पाकिस्तानी नहीं था? ये तो सार्वजनिक है, इसे तो नहीं था इसमें जो है हेमंत करकरे जी के शहादत के ऊपर प्रश्न उठाकर जो है अजमल कसाब की फेवर कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे इस मंच पर इस तरह की कोई बात नहीं हुई मीना जी, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि इस तरह की बात यहाँ पर ना करें। हम किसी के भी पक्ष में नहीं है, ना ही विपक्ष में, हम एक निष्पक्ष पत्रकारिता के जो सवाल है वही जनता तक और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुकुल जी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं हेमंत करकरे इनकी शहादत पर बीजेपी की तरफ से आपकी खुद की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने किस तरह से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था मीना जी, तब किसी ने नहीं कहा कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए? देश से माफी तो दूर की बात है, किसी ने भी जो है उनको उनकी आलोचना तक नहीं की थी, वो जीती भी थी, वो कैंडिडेट थी बीजेपी। प्रज्ञा जी का जब बयान आया था, भाजपा ने कहा था कि वो भाजपा की तरफ से कोई बयान नहीं, और सबने उसका विरोध किया था, और वो उनका व्यक्तिगत बयान था जो उन्होंने जेल में तो कांग्रेस भी तो यही कह रही है, माफ कीजिएगा यहाँ पे कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं है, कांग्रेस भी यही कह रही है। भाजपा का बयान नहीं कहूं जी, बिल्कुल कांग्रेस भी यही कह रही है मीना जी। अफसोस की बात है कि नेता बयान दे देते हैं और पार्टियां किनारा कर लेती हैं, जनता के सामने जवाबदेही जो है वो किसकी है, सिर्फ नेता की या फिर पूरी पार्टी की? मुकुल जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो सियासत हो रही है शहीद हेमंत करकरे पर, महाराष्ट्र की सियासत में इसकी कितनी भूमिका, कितना असर छोड़ती है ये? देखिए सबसे बड़ी बात, आपने जो अभी बोला कि कांग्रेस का कोई प्रवक्ता इस बात पर गिरा नहीं आया, तो उसके पीछे एक वजह यह है कि उस वक्त सरकार इसकी थी, अगर चाहते सख्त जांच होती तो दूध का दूध पानी का पानी ना होता क्या? आईबी रॉ सारे तो उनके डिपार्टमेंट के लोग थे ना, गृह मंत्रालय तो उन्हीं के पास था, बहुत बड़ी असफलता थी, इसीलिए उनको चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा। एग्जैक्टली, तो सब चीजें ये रहती है, लेकिन मैं बीजेपी की प्रवक्ता से ये कहना चाहूंगा कि जब एक शहीद की विधवा अगर कोई किताब लिखती है और उसमें कुछ प्रश्न ऐसे छोड़ती है, और एक आईजी जो सर्विस से पहले 3 साल पहले कंपल्सरी रिटायरमेंट ले लेता है, अगर वो कुछ सवाल छोड़ता है तो क्या सारे सबूत आज भी फाइलों में बंद है, सारी चीजें आज भी रिकॉर्ड में है, क्योंकि कोई रिकॉर्ड खत्म नहीं करती, और खासकर होम मिनिस्ट्री और इन सब में रहता है जी। तो इसके पीछे करकरे हो चाहे आपके कामते हो, इनकी मौत के पीछे क्या क्या लैकुना रहे हैं कि बॉडी पड़ी रही 35 मिनट बाद
कोई वैन आई है तब पुलिस की वैन आई है तब उसने उठाया, 3 मिनट पहले एक वैन गुजरी उसने इनको देखा नहीं और चली गई सीधे, तीनों बॉडी पड़ी रही, जो लोग घायल थे वो बच सकते थे। तो ये सब कई ऐसे सवाल हैं, आईबी का जो जांच कमेटी के सामने कोई उनको डॉक्यूमेंट ना देना, कोई सूचना ना देना, पेश ही ना होना, रॉ का पेश ना होना, ये सब तो सवाल उठाता है ना। बैलिस्टिक जांच में गोली कहां, गोली बॉडी से जो निकली गोली वो किसकी गोली थी, ये तक नहीं क्लियर हुआ। ये तो बहुत ही कुछ ठोस ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब जनता तक पहुंचना बहुत जरूरी है, एक देश पर हमला हुआ है। जी एक मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, नितिन मखाने एक वायरलेस ऑपरेटर था जो पुलिस वाले यूज करते, वायरलेस उसका ऑपरेटर था, उसने कोर्ट में बताया कि उस वक्त जब ये तीनों लोग उस कामा हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे तो वहां वायरलेस पे इन्होंने बाकायदा बसंत एक छोटे गांवकर थे, संजय मोहिते थे और केपी रघुवंत जी, इन्होंने बाकायदा गलत सूचना दी कि आतंकवादी उस दिशा में और ये चले गए उसी दिशा में और उसके बाद ये गोलीबारी डायरेक्ट सामने कार पे हुई। ये लोग एक ऑफिसर को ही बचाने जा रहे थे जो कामा हॉस्पिटल में फंसे हुए थे और वायरलेस के सुपुट ये कार्तिक की वाइफ थे जो एडवोकेट है विनीता, इन्होंने 6 महीने इनको लग गए खाली आरटीआई डाल के लेने में। तो मुझे भाजपा से सिर्फ ये कहना है कि अगर कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हुई है जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है उसको सामने ला के सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। और शायद देश इसका इंतजार भी कर रहा है कि जब सीधे सीधे किताब लिखी जा रही है हु किल्स कर करे तो वो चीजें सामने आनी चाहिए और इसको दूध का दूध पानी का पानी हो। आप भी इस बात से जरूर इत्तेफाक रखती होंगी कि इस तरह की शहादत पर सियासत कम से कम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, किसी भी शहीद की शहादत पर जो है कभी भी सियासत, और मुझे यहाँ पर इस पर आपत्ति है कि सरकार कांग्रेस की 2008 में जब 2011 का हमला होता है केंद्र सरकार कांग्रेस की और आप यहाँ पर आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, आप कहते हैं कि भी तकलीफों के बीच जो है आरएसएस का हाथ है, ये सवाल है मीना जी, ये इस चीज को साफ स्पष्ट करना चाहूंगी, ये कुछ सवाल हैं जो कि उस हमले में जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार से जो मुकुल जी ने यहाँ पर रखा है उन्होंने किताब लिखी है, एसएम मुशरिफ जो हैं उन्होंने किताब लिखी है उसको कोट किया गया है, ये कुछ सवाल है, ये कहा नहीं जा रहा कि ऐसा ही है, ये आरोप है, ये सवाल है। ये जो टाइम चूजिंग टाइम जो है कि समय चुनना के बे जब इलेक्शन मोड पर आप पूरा भारत खड़ा है आप ऐसे समय पर ऐसे किताब एक कंट्रोवर्शियल किताब के ऊपर जिसका जो है कोई भी जो है तथ्य के ऊपर आप उसके ऊपर तथ्य के ऊपर आप एक्यूरेसी के ऊपर नहीं आपको एक्सेप्ट करते कि कितनी एक्यूरेसी है जी। वो एक शहीद की वाइफ ने लिखा, आपने खुद कहा और वो हेमंत करकरे जी के परिवार ने लिखने लिखा मेरे ख्याल से कामटे जी के परिवार के किसी सदस्य ने जो लिखा था जी। आप उसको एक्यूरेट मान रहे हैं पर जो देश एक्यूरेट नहीं, अगेन लेट मी क्लियर इट, दिस इज अ क्वेश्चन नॉट एलिगेशन, एलिगेशन मेड बाय कांग्रेस नॉट फ्रॉम जस्ट हिंदी टीवी, मीना जी प्लीज लेट मी क्लेरिफाई दिस, मीना जी आई एम नॉट क्वेश्चनिंग ऑन जस्ट टीवी जी, मैं कांग्रेस के ऊपर ही क्वेश्चन कर रही कि जो वो उन्होंने टाइम चुना उसके पीछे क्या राजनीति, कांग्रेस का हमेशा से ये फॉर्मूला रहा 1947 से देख ले हम जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है उनकी हमेशा रही है, इस तरह से जो है हम देश को जो है तोड़ सकते हैं और उसके राजनीतिक लाभ ले सकते हैं वही जो है कांग्रेस अभी इस इलेक्शन में कर रही है। ठीक आपने है। कहा कि भी ये व्यक्तिगत तो उनके बयान थे, क्या शशि थरूर जी के जो उसके साथ उनका साथ के जितने में बयान आया कि किसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्या कांग्रेस क्या थरूर जी क्या कांग्रेस के नहीं है, आप या तो शशि थरूर जी कहते हैं कि उनके अकेला उनका अपना बयान है जी हम उसका कंडेम करते हैं, ऐसा कहीं बयान नहीं आया, किसी कांग्रेस का बयान नहीं आया जी, मतलब ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये बयान लाया गया जी। और सबसे बड़ी बात और जहाँ बयान ला देते हैं उसके बाद आप माफी मांगते हो ये कहकर भी हो तो किताब में था, मैंने किताब का रेफरेंस दिया जी, आप 14 साल आपने रेफरेंस क्यों नहीं दिया, आपने 2023 में क्यों 23 में क्यों रेफरेंस दिया, आपने 2022 में क्यों नहीं दिया, आपने 2020 में क्यों नहीं दिया, आपने 2012 में जब फैसला हुआ तब आपने क्यों नहीं रेफरेंस दिया, तब आपने क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया,
हुए, जब इनको दिख रहा है कि मोदी जी के 400 पार का जो लक्ष्य जो है बड़ी आसानी से पार होने वाला है, तो आज इनको जो परेशानी होगी और आज जो है देश को जो है तोड़ना चाहिए। ठीक है मुकुल जी, मैं समझना चाहूंगी शशि थरूर के बयान की बात कर रही है मीना जी। एक बात तो होती ही है कि एक इतना वरिष्ठ नेता जो कि अध्यक्ष पद के लिए भी खड़ा रहा और उसने चुनाव लड़ा बकायदा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, वो कह रहे हैं कि इस मामले की जाँच होनी चाहिए, लेकिन पार्टी इससे किनारा कर रही है। क्या कांग्रेस खुद को इस मसले पर फंसता हुआ देख रही है? जी बिल्कुल फंसता हुआ देख रही है। जब आपकी सरकार रहेगी तो सवाल आप ही से पूछे, आज ये बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है तो अगर सरकार से कोई सवाल होगा तो मैं इन्हीं से तो पूछूंगा। और मैं कह भी रहा हूँ कि अगर ये चीजें डॉक्यूमेंट्री है, आईपी और रॉक क्यों नहीं गई उस कमेटी के सामने, तो ये तो आज भी पता किया जा सकता है। अगर अगर उस वक्त तत्कालीन जो आईबी प्रमुख रहे होंगे या रॉ चीफ रहे होंगे वो किस वजह से इस कमेटी के सामने पेश नहीं हुए, ये तो उस वक्त किसने दबाव डाला और सरकार किसकी थी जी? सरकार तो ये तो गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इस कमेटी को बनाया था, उसके बावजूद ये इनका ना पेश होना, और तब शायद मुझे जहां तक याद है बीजेपी की सरकार में आ गई थी महाराष्ट्र में इस क्या कहते हैं हादसे के बाद, क्योंकि इसका काफी कांग्रेस को बदता पड़ा। तो कुल मिला के कि मगर मुझे ये कहना है कि जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं विजय, उन्होंने जो सवाल उठाया है वो तो पॉलिटिकल है पूरा, फिर साथ में जो वकील साहब है जिनके लिए कहा गया कि मुकदमा लड़ा है, तो जाहिर बात है मुकदमा इतने ज्यादा डॉक्यूमेंटेड कि उसमें अगर नया लड़का भी लड़ता 26 साल का जो लॉ किया हुआ है तो जाहिर बात है फांसी मिलनी थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज लोगों की इतने, आप ये बताइए 300 लोग घायल हुए और 158 के आसपास उनकी डेथ हुई, तो ये बहुत बड़ी घटना थी हम लोग के यहाँ इंडिया के लिए और पूरा देश विश्व हिल गया था। जी जी, जो सवाल उठ रहे हैं उस सवाल को एक शहीद की विधवा को, अगर कांटे की, मैं करकरे की बात ही नहीं कर रहा हूं, उन्होंने करकरे की बात की, मैं कह रहा हूं कि अगर तीनों हत्याओं में, ये मर्डर में और इनको शहीद होने में अगर किसी की भूमिका थी और जिन लोगों ने लापरवाही बदली बरती पुलिस वालों ने कि वायरलेस पे गलत सूचना देना, मौके पे 3 मिनट बाद जब तीनों ऑफिसर पड़े थे तो सबको मालूम, जिनको भी दर्शकों को बता दे कि जब ये इन लोगों को आतंकवादियों ने मारा है, मारने के बाद गाड़ी से निकाल के फेंक दिया और वो पॉलिस लेके ये लोग चले गए आतंकवादी, तो इनकी ये पड़े हुए थे, ये जख्मी थे और 3 मिनट बाद पुलिस की वैन वहां से गुजरती है और रुकती रहती है, उसके बाद 30 मिनट बाद पुलिस आती है दूसरी वैन और वो भी इनको रुकती है, देखती है और चली जाती है। आप ये बताइए फिर 35 मिनट बाद इनको मेडिकल हेल्प मिलती है, मतलब पुलिस वाले आगे डाले जाते हैं, तो ये जो गैप है, और वो तीनों भी कोई आम आदमी नहीं थे, वो एक एटीएस चीफ था, एक एडिशनल कमिश्नर था और एक उनका इंस्पेक्टर था जी, स्वतंत्र सहायक सिपाही था, 3-4 लोग थे, तो कुल मिला के जितना जितना हमको याद है उस वक्त का, तो वो चीजें प्रश्न उठाता है कि बीजेपी इसमें फेयर एक इन्वेस्टिगेशन नई तरह से करे और इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दे जी। कांग्रेस को जो ये कांग्रेस आगे जो है कि अब इसको हम डिफेंड कैसे करें, बिल्कुल, तो ये मीना जी अगर आप इस मुद्दे को पार्टी हाईकमान तक ले जाएं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम, क्योंकि ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर स्पष्टता जनता के बीच जरूर लाई जानी चाहिए। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगी क्योंकि समय समाप्त हो गया। मुकुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मीना जी आपका भी आभार, आपने समय निकाला, और अनिल सिन्हा का भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। और कहीं ना कहीं भारत में लोकसभा के चुनाव जनता के मुद्दों पर बातें कम, बयानबाजियाँ कम, और मुद्दे उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर, मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर ये बहस होती है, तो फिर ऐसा सवाल ज़रूर पूछते हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं पत्रकार, कि आखिर भारत में राजनीति का ये कौन सा स्तर है जो जनता के समस्याओं पर ध्यान कम देती है, बाकी बयानबाजियों पर ज़्यादा ध्यान देती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती फीडबैक अवश्य भेजिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। नमस्कार।